अपने आप अचानक से इनको पता नहीं क्या हुआ, देखो कितनी मधुमक्खी ये देखो। और भाई रे इधर आओ, कितनी चीजें पड़ी हैं इधर। हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये देखो लट देख लो, लट ये रहा भाई। और ये भैया नए भैया से मिल लो, प्रदीप भैया, बाकी इसको तो जानते ही हो आप, ये हैंड ओनर। और हम पता है कहाँ जा रहे हैं, जयपुर के सबसे हॉन्टेड जगह पर जा रहे हैं, औधी भवन। और वो जयपुर की सबसे भूतिया जगह बोली जाती है। और वहाँ पर क्या है, राजा शिकार करने जाया करता था जंगल के बीचों बीच। और वहाँ ऐसा बोला जाता है कि वो लाल साड़ी में चुड़ैल आती है। अब देखते हैं साड़ी क्या चुड़ैल है, उसका इंतजाम बांध देंगे स्लट से, है ना। तो आप जानवर बहुत है वहाँ पे, जानवरों के लिए भी रख रखा है। हाँ मतलब लेपर्ड वेपर्ड ऐसे ही आ जाते हैं, लेपर्ड पैंथर ये सब खूब है। तो कुछ आ नहीं जाए, मिल नहीं जाए इसलिए। तो देखो अब आपको वहीं दिखाते हैं, औधी भवन का रास्ता, और औधी भवन दिखाते हैं। ये देखो गाइस हम यहाँ पे रुक गए हैं, इस जगह स्टॉप लिया है। अब यहाँ से पहाड़ चालू हो गए, यहाँ से उसका चालू हो गया औधी भवन का रास्ता। अब आपको दिखाते हैं कैसा है औधी भवन। क्या भाई बेल्ट वेल्ट की भाई तुम इसमें क्यों आए हो, तुम्हारी स्कर्ट में हारमोनियम बजाएगा भाई, ऐसे ऐसे हारमोनियम बजाएगा भाई। भाई ने बोला वहाँ बैठे भाई भूतों के पास। ये भूत आ गया। अब से औधी भवन पे मिलते हैं, और शायद हमको ट्रैक करना पड़े, पैदल चलना पड़े 2 किलोमीटर। तो बताते हैं ट्रैक भी अगर चलना पड़ा तो, क्योंकि एक्टिवा तो जा नहीं पाई थी, ये गाड़ी चले जाए तो चली जाए, पत्थर हैं बीच में मोटे मोटे चल जाएगी इसके जैसे। ये गाइस यहाँ पर हम भी ना, हमको टिकट लेनी पड़ी आज। उस दिन मैं पहले भी आके गया था, उस समय सुबह का टाइम था, उस समय तो कोई टिकट विकेट नहीं लेनी पड़ी थी, हम तो डायरेक्ट घुस गए थे, अंदर कोई भी नहीं था। अब यहाँ साली भीड़ इतनी हो रही है ठंडे के चक्कर में, टिकट लो ये लो, गाड़ी का अलग टिकट लो, 500 कितने रुपये ले लिया पंचायत तक, 500 रुपये से ज़्यादा एटलीस्ट साल उन्हें टिकट विकेट के नाम पर, और फिर भी बदतमीजी कर रहा है, मुँह पर मारूंगा साले के टिकट। अब ये देखो गाइस ये आ गया अंदर, जंगल चालू हो गया, ये नाहरगढ़ बायोलॉजिकल उद्यान के भी आ गया सीधे। देखो गाइस ये आ गया रास्ता और औधी भवन का, जंगल आगे भी कोई नहीं, पीछे भी कोई नहीं, कोई कहीं पे भी कोई नहीं। ये पहाड़ वहाड़ जा रहे हैं अपनी इस तरफ। और ये देखो गांव का रास्ता है, गांव से आ रहे हैं लोग। देखो RJ 27 कहाँ का नंबर है, ये कहाँ का है, ये वो तो हमको भी पता है कहीं का है नंबर, है तो कहीं का तो होगा ही। और ये रहा रास्ता, यहाँ से 2 किलोमीटर बच रहा है औधी भवन। अब हो सकता है यहाँ से ट्रैक करके जाना पड़े हमें आगे रास्ता। इको वैन, इको वैन, इसने किडनैपर, किडनैपर। जहाँ जा रहे वहाँ तो दिख नहीं रही, प्रांजल की गाड़ी का पेट्रोल फुल है, इसका मतलब ये थोड़ी है तुम वो करोगे उसका गलत इस्तेमाल। भाई मोर खड़े, देखो मोर देख लो गाइस, क्या मोर ने पंख फैला रखे, बारिश होगी आज, भूतों की बारिश। गाइस ये देखो गाइस, ये देखो कैसा रास्ता आ गया, पूरे डेंस फॉरेस्ट के अंदर आ गए अब, ना बंदा है ना बंदे की जात, दूर दूर तक। अरे तो भानगढ़ में यार बहुत भीड़ है, यहाँ कोई नहीं होता, यहाँ कोई नहीं होता भाई, दूर दूर तक। गाइस हमारे साथ चोट हो गई यार, ये ना पहले तो गूगल चल रहा था जब मैं पिछली बार आया था, अब नहीं चल रहा, और हम पता नहीं कहाँ गए बीच में। अरे औधी लिखा हुआ है, हाँ राइट राइट राइट, अरे ये ऊपर चढ़ जाओ, रास्ता मिल गया। क्या हो गया, ये पक्का रास्ता। ये देखो गाइस अब ट्रैक करके जा रहे हैं औधी भवन की तरफ, पैदल जाना पड़ रहा है, गाड़ी पार्क कर दी पीछे। और ये देखो हमारे अलावा कोई भी नहीं है, वो रही गाड़ी। खुशी की बात है गाइस रास्ता याद आ गया, हाँ ये खंडर सा भी आया था बीच में। गाइस आज तो मौसम भी बहुत बढ़िया हो रहा है, फेवरेबल, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड, बढ़िया मज़े आ रहे हैं। ये देखो गाइस हनुमान जी का मंदिर आ गया, और यहाँ पे हनुमान चल चल पाठ कर दे, सोच के बनाया हुआ इधर हनुमान जी। जामवंत जी को तो हम साथ में ही लाए हैं फिर भी मेरे पास लड़की नहीं है, शिट। कोई अगर हो, मेरी सब्सक्राइबर हो, सुंदर हो तो मेरे को इंस्टाग्राम आईडी पे कांटेक्ट कर लो, मैं एकदम सिंगल हूँ, जन्मजात सिंगल, एकदम प्योर फिल्टर्ड सिंगल। देखो कुआं, ये औधी भवन, अरे रुक जा बीच में कहाँ, देखो भाई कितना अजीब सा नेगेटिव सी वाइब है कि हम एंटर होते हुए, और ध्यान रखना है, देखो लाल लाल कुछ पड़ा है, टोटके हुए हैं, इन पे पैर मत रख देना, यहाँ पीछे पड़ा है एक टोटका,
ये देखो दीवारें, ये रहा औदी भवन, आज अच्छे से एक्सप्लोर करने आए इसे। यहाँ खुद के पैरों की आवाज ऐसी लग रही है, पता नहीं क्या हो गया। ये यहाँ से दिख रहा, देखते हैं यहाँ पे आज कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है सऊदी भवन में। इसको आज अच्छे से एक्सप्लोर करके जाते हैं, कोई एक्टिविटी होती है नहीं होती। ये देखो दरवाजे टूटे हुए पड़े हैं नीचे जमीन, ये देखो गाइस। ये ऊपर जाने का रहा, ये देखो मधु मक्खियों का छत्ता है, इसको से करना क्योंकि डंडा भी कुछ नहीं बचा पाएगा इससे, मधुमक्खियों के छत्ते से। भाई पता है ये वाला जो रूम है ना, ये वाला रूम, इसके अंदर हमने जैसे ही स्टेप इन किया तो हमको टेम्परेचर काफी लो होता दिखा सही में। यहाँ देखो अब ये किस वजह से हो रहा है, खिड़कियों की वजह से हो रहा है, क्या हो रहा है, खिड़की भी नहीं है लेकिन यहाँ पे खिड़की भी नहीं है यहाँ पे, तो यार यहाँ पे टेम्परेचर में गिरावट तो है। ये देखो आदि भवन है, मंदिर नहीं है, देखो पूरा बाथरूम बाथरूम सब बना रखा है सभी, है ना। ठंडा बहुत हो गया लेकिन अबे ठंड सही में बहुत ज्यादा है यार इधर, क्योंकि खिड़की विड़की तो कुछ है नहीं। नहीं ऊपर खुला हुआ है जीना तो भी, अरे उसने बोला भी तो साइड में कि वो हवा अचानक से ऐसे आती है, ऐसे वो क्योंकि जो बनाई ऐसे रखा है हवा काफी आती है, तो इस जगह हवा तो इसके चक्कर में आ रही है लेकिन ठंडा का अंदर क्यों है। चूड़ियां टूटी हुई पड़ी है, इसको देख शगुन का और चूड़ियां और यहाँ पे कपड़े हैं। अरे भाई ये देखो गाइस क्या क्या पड़ा है, तोड़ के वोट के पड़े हैं। अरे ये वो क्या है, पुराने टाइम से वो है। ये देखो अंदर चलते हैं, इसकी लोकेशन ऐसी हवा है चारों ओर से लगती है ऐसी है। भाई इस वाली जगह की तो बहुत ज्यादा वाइब नेगेटिव है। कितनी चीजें पड़ी हैं इधर, कितने सामान पड़े हैं इधर, खूब सारी चीजें पड़ी हैं अलग अलग। भाई सो भाई वाइब तो अच्छी खासी नेगेटिव है इस जगह की। ये रहा एक कमरा, ये देखो ये ऊपर मधुमक्खियाँ पता नहीं क्यों उड़ने लग गई, और ये देखो अचानक से कोई यहाँ पे अचानक से आता है ना, तो ये मूर्ति पता दिखती नहीं है कि मूर्ति है, लेकिन ये देखो कोई मूर्ति रखी हुई है किसकी है पता नहीं। ये देखो गाइस यहाँ मधुमक्खियाँ उड़ने लग गई ऊपर, अगर दिख रही हो तो आपको अचानक से पता नहीं क्यों। ये देखो छत्ते में से पहले थी नहीं, इतनी नहीं उड़ रही थी, बहुत ज़्यादा उड़ रही हैं मधुमक्खियाँ। ये देखो ये वो वहाँ से कुआं दिख रहा है गाइस, और ये एक कमरा आ गया यहाँ से। ये रहा देखो पूरा खंडर पड़ा है, देखो कैसे काला काला क्या क्या हुआ है। और ये लोग मेरे बाकी साथ के लोग ऊपर चले गए सीढ़ियों से, और देखो कितनी गंदी हो गई है जगह, बाकी व्यू तो अच्छा आ रहा है यहाँ से। ये देखो गाइस ये आ गई औदि भवन की छत, नहीं इससे ऊपर और है। अरे वो छत्ती है, ये छत है, नहीं नहीं दो छत्ती भी तो होती है, दो छत्ती है ऊपर तो। ये देखो गाइस एक ये कुछ बना हुआ है, एक ये बना हुआ है कुछ औदि भवन के अलावा। ये देखो भाई ये एक और पार्ट आया औदि भवन का, यहाँ पे कोई रात को रुकने आया ना कभी किसी दिन, जब पता पड़े कुछ है कि नहीं है। ये देखो भाई मधुमक्खियों का वो देख लो झुंड, किसी ने क्या देखो अपने आप से, मैं बोल रहा था ना अपने आप हो रही है ये, अपने आप अपने आप निकली है ये, अपने आप अचानक से, इनको पता नहीं क्या हुआ। देखो कितनी मधुमक्खी, ये देखो शिव का मंदिर और सामने चार्ट पेपर्स वगैरह, ये देखो मंदिर खंडित पड़ा है, तभी यहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ है, क्योंकि मंदिर तो था अच्छे खासे माँ काली का, सबके मंदिर है। मंदिर भी लिखे हुए। अरे हो सकता है वो दूसरे लोग आए थे, उन्होंने पत्थर फेंक दिया था। नहीं 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 उन्होंने ऐसे मेरे से खुद से पूछ रहे थे वो क्या
तुमने पत्थर वत्थर थोड़ी फेंक दिए क्योंकि इतनी मधुमक्खियां हैं। वो खुद पे भी क्यों लगाएंगे यार, खुद घूमने आए थे बेचारे, भगना पड़ गया। इतनी मधुमक्खी लेकिन सारी आ गई, और वो छोड़ इसके बाहर नहीं आ रही। हाँ कुछ ना कुछ सीन तो है, इसके बाहर नहीं आ रही। सीन वीन का पता नहीं, लेकिन मधुमक्खी खा गई ना घर के जूत देंगे जो ये देखो अब इस पे आ गए चढ़ चढ़ के। ये येलो कलर का दिख रहा था ना हमको हमारे पीछे औदी भवन से, ये रहा औदी भवन पीछे हमारे, ये औदी भवन रहा। भवन वन थोड़ी है, तो ऐसे ही होगा वो उसका चपड़ासियों का कोई रहता होगा ना, केयर टेकर हो सकता है उसका मकान हो। हाँ ये भी मंदिर लग रहा है क्या, गंगा विलास लिख रहा है इस पे तो, किसी का घर है, घर है किसी। इसमें जाते हुए गंगा विलास में, और ये देखो किसी की जोड़ी भी लिखी हुई है यहाँ पे। ऐसे यहाँ लिख दूँ क्या मैं, मेघा प्रियांशु, फिर ये क्या लिख रहा है रूपाम भाई। लेकिन इसमें बौने रोड लोग रहते थे क्या, हाइट बहुत छोटी है इसकी। देखो ये मेरे सर नीचे करना पड़ गया घुसने के लिए। अरे हट बे, ये है वो। यहाँ पे भी हवा तो अच्छी, वेंटिलेशन तो अच्छा खासा है यहाँ पर। ये ऊपर सीढ़ियाँ जा रही हैं, ठीक है। नहीं लेटरिंग है, ऐसी लेटरिंग होती थी पहले पुराने जमाने का, वो देख लो गाइस का मोड़ भैंस की, जंगल में जाती थी डायरेक्ट। और ये देखो यहाँ वेंटिलेशन के लिए दे रखा है। गाइस आपको एक बात बताऊँ क्या हुआ, जैसे हम पूरा घूम लिया, ये पूरे पीछे औदी भवन था जो हमारे, ये पूरा देख लिया, ये पीछे येलो चीज देख ली, लेकिन टेम्परेचर केवल एक औदी भवन का जो केवल एक कमरा था ना उसके अंदर ज्यादा ठंड लगी, कि ऐसा फील हुआ जाता है कि यहाँ ज्यादा ठंड है इस कमरे में ना, वो पता नहीं क्यों। हाँ अब पता है यहाँ से वो हमको स्पॉट दिख रहा है सामने औदी भवन पे। अरे ये रही यार इसी जगह पे तो थी, इसके बीचों बीच उड़ रही थी, जो बीच में सामने दिख रही है ना बिल्डिंग, इसके उधर थी मधुमक्खियां उड़ रही थी। जैसे ही हम गेट से बाहर आए सारी मधुमक्खियां सेटल हो गई। देखो अभी दिखाता हूँ बैक कैमरा से, सामने ये खिड़की दिख रही है ना एकदम, ये जहाँ पे मेरी उंगली जा रही है इस वाली जगह थी मधुमक्खियां उड़ते हुए दिखती हमको, बट वो अब सेटल हो गई वापस। अरे जब मैं ना अकेला जा रहा हूँ इसमें औदी भवन में, ये देखने की मधुमक्खियाँ हैं कि नहीं है, इनकी बात सच है झूठ है, ये बोल तो रहे हैं कि पहले उड़ रही थी, अब हम जैसे ही बाहर है वैसे बंद हो गई वापस। देखते हैं क्या हो रहा है, सेटल हो गई नहीं हुई। मैं जा रहा हूँ अकेला, ये मैं घुसा, ये सेटल हो गई नहीं उड़ रही, सही में नहीं उड़ रही। देखो गाइस ये मधुमक्खियां हमारी सेटल हो गई, और वापस से खुलने लग गई क्या हमारे आते ही। हां देख बाहर बैठी है, पहले तो बहुत उड़ी थी भाई, पूरी उड़ गई थी। इधर आ देखो ये पड़े लाल टोट के, एक ये पड़ा गई, वो पकड़ जा रहे हैं हम इस भवन से बाहर। देख लिया औदी भवन, ए हाय कबूतर सुसाइड कर गया कबूतर के अंदर, इसके अंदर अभी कूदा मेरे आगे। कुक्कू भैया, कुक्कू कुक्कू भाई, कुक्कू भाई बताओ ना कैसा लगा तुमको औदी भवन की। बढ़िया लगा भाई, बहुत बढ़िया लगा, बढ़िया ऐसी जगह। अरे मतलब वहां मधुमक्खियां उड़ रही हैं, भूत भूत से तो नहीं डर लगता। सिर्फ इंसान इंसान आया ना तभी, मतलब अपने अलावा भी एक दो जने और थे आज, तो उनके आते और अपने आते मधुमक्खियां बहुत सारी सी बाहर आ गई अचानक से। पत्थर वत्थर भी किसी ने नहीं मारा भाई हम में से। वो खुद मेरे से पूछ रहे थे तुमने पत्थर मारा क्या, मैं उनसे पूछ रहा था आपने पत्थर मारा क्या, वहीं किसी ने नहीं मारा था पत्थर। तो फिर जैसे सब लोग गए अपन दूसरी जगह गए, वो सारे सेटल हो गए जैसे तुमने रिकॉर्ड भी करा। मजा आया नैन भाई, कैसा लगा भानगढ़ से कंपेयर करो एक बार इसको। भानगढ़ में गया ही है अभी यार तुम ही सॉरी, ये तो वो हो गया मोए इससे पूछो इससे। अरे तू बता, तू तो मेरे साथ ही भानगढ़ गया था, कैसा लगा तेरे को? यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिव वाइब ज्यादा है, मतलब कंपेयर टू भानगढ़ ठंड, एक कमरा इतना ठंडा जिसकी कोई हद नहीं, वही कमरा ठंडा था, एक कमरा ठंडा था, ठंडा था। लेकिन भानगढ़ में एक जगह जहाँ पे अपन लोग गए थे जहाँ पे खून वगैरह दिखा था उसकी, वो जगह ज्यादा वो थी नेगेटिव। हाँ तो आपको कैसा लगा ये अपन औदी भवन आए थे? बहुत बढ़िया। बढ़िया क्यों लगा आपको? बढ़िया नहीं लगा, ये डरावनी जगह थी, मधुमक्खियां खोल रही हैं, मतलब आज तक ऐसी देखी नहीं ना। भानगढ़ देखा है? हाँ भानगढ़ देखा हुआ, लेकिन वो ये उससे भी खतरनाक है थोड़ा।
हाँ ये इसकी वाइब थोड़ी भानगढ़ से भी ज्यादा नेगेटिव है। भानगढ़ में क्या है, चढ़ गए भाई बाहर परचूनी की दुकानें हैं, मंदिर बड़े बड़े बने हुए हैं, एक सुंदर सा मंदिर भी बना हुआ है और लोग इतने आते हैं जिसकी कोई हद नहीं। अब यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं और एक ग्रुप और आया था तीन चार जनों का, वो तो तीन मिनट के अंदर अंदर चला गया, ये अभी गिरता पीछे। अकेला भी रह जाऊँ मैं तो, इसमें मेरे को मौका मिले ना तो रात में भी देख जाऊँ साले को कैसा है। यार तू हाइट में ज्यादा लंबा है मेरे से, और नहीं तो क्या? कितनी है तेरी हाइट? छेक है। और मेरी कितनी होगी फिर? 5'11" सही है, मतलब मेरी हाइट सही है, ऐसी छोटी नहीं है, कुछ हैं छोटे लोग साथ में। वापस आ गए हम हमारी गाड़ी की तरफ और देखो हमारे पीछे कितना प्यारा व्यू आ रहा है, है ना एक नंबर। ये व्यू के बीच में गंदगी पीछे मेरे और चल दिया क्या होगा अरे